हाय व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मैं आपके सामने बॉलीवुड की एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेकर आ रहा हूँ जिनको फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग करते हुए 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। व्यूअर्स, इन्होंने इस दौरान ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि दूसरी जुबान में बनने वाली मूवीज लाइक मलयालम, तमिल और दूसरी भी कई जुबान में बनने वाली फिल्मों में काम किया है। व्यूअर्स, इनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जब ये एक्टिंग करती हैं तो ऐसा गुमान होता है कि ये एक्टिंग नहीं बल्कि हकीकत है। ये किसी भी किरदार में अपनी एक्टिंग से हकीकत का रंग भर देती है। व्यूअर्स, आइए आज वेलकम करते हैं बॉलीवुड की एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन एक्ट्रेस ज़रीना वहाब का। मगर इसके साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल द एक्सप्लिसिट एनालिसिस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। विनोद एक मामूली सा ओवरसीयर। मैं कोई खिलौना नहीं दीदी, जो जैसे चाहे मुझसे खेले। ये तेरी शादी का मामला है, कहीं तुझे जिंदगी पर पछताना ना पड़े। भगवान की यही मर्जी थी, नहीं तो उस दिन सुनील के जगह विनोद नहीं आता। तो क्या हुआ? जो होना था वो हो चुका। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें हमारा जो प्लेटफॉर्म है द एक्सप्लिसिट एनालिसिस उसके लिए आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये होगा कि आपने अपना करियर जो है वो 1974 या 1975 में अपना करियर स्टार्ट किया और आप 1988 तक मुसलसल मूवीज करती रहीं। उसके बाद आपने ब्रेक लिया और 2002 या गालिबन 2003 में आपने दोबारा मूवीज में एंट्री दी और आप उस वक्त से लेके आज तक आप मुसलसल काम कर रही हैं। हमें जब आपने वापसी की इंडस्ट्री में तो आपको पहले के बॉलीवुड में जो आपने छोड़ा था और जो आपने दोबारा ज्वाइन किया तो आपको कितना डिफरेंस लगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंटेंट और इन टर्म्स ऑफ यू नो लाइक प्रोजेक्ट डिलीवरीज आल्सो, तो इस सिलसिले में आप क्या बताएंगी? जब हमने काम किया शुरू किया था उस वक्त माहौल भी अलग था और इक्विपमेंट्स भी काफी अलग थे। वापस जब मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा सा डिफरेंट तो था, लेकिन पता नहीं मैंने इतना ज्यादा गौर नहीं किया। हम लोग काम छोड़ने के बाद जब मैंने दोबारा काम शुरू किया तो मैंने टेलीविजन से काम शुरू किया। शादी के बाद काम तकरीबन 10 साल तक मैंने काम ही नहीं किया था, तो लेट मी स्टार्ट बिकॉज आई वांटेड टू एक्ट वेरी बैडली। सो माय हस्बैंड सेड फर्स्ट लूज योर वेट बिकॉज आफ्टर वेट आफ्टर माय मैरिज। तो फिर मैं एक महीने में पतली होकर दिखाई। मैंने कहा कि अच्छा, नाउ आई वांट टू वर्क। इमीडिएटली आई गॉट फ्रॉम द सीरियल फॉर डीडी नेशनल, एक चैनल है हमारा, उसके लिए आई स्टार्टेड माय करियर अगेन। उसके बाद तकरीबन मैंने 20-25 टीवी शोज में काम किया और उसके बाद आपने दोबारा मूवीज में एंट्री की। आपको याद है आपकी पहली फिल्म कौन सी थी जब आपने दोबारा 2002 या 3 में किया? हाँ, मैं बताती हूँ, उसमें शाहिद कपूर। हाँ, आई थिंक वो दिल मांगे मोर। ठीक है भैया, तुम्हारी लाइफ है, तुमको जो करना है करो बस। सुनीता, तुम ना गुस्से में ना बड़ी खूबसूरत लगती हो। बस रहने दे, एक तो बच्चों की सेवा करो और ऊपर से उनकी बातें सुनो। अच्छा, फेसबुक की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी। तू भी कम नौटंकी नहीं है। चल जा, मटर लेके आ, पराठे बनाऊंगी तेरे लिए। ये की ना मेरी माँ वाली बात, और मटर छील के लाती हूँ। जानती हैं कि आजकल बहुत ज्यादा वेब सीरीज जो है वो आ रही हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। आपको
ज्यादा वेब सीरीज और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनके नतीजे में आपको कंटेंट जो है वो आपको आप कैसा फील होता है कि इसकी क्वालिटी डाउन हो गई है पहले से या पहले से मुकाबले में अब क्वालिटी बेहतर आ रही है, एक्टिंग, डायरेक्शन, टेक्निकल और ऑल दीज एस्पेक्ट्स? बाकी सब ठीक है। मैं थोड़ा सा वेब सीरीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई हूँ कि वे जिस तरह के लैंग्वेज वो लोग यूज करने लगे हैं, जिस तरह के शॉर्ट्स देने लगे हैं लड़के लड़कियां, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखकर, पता नहीं क्यों। या तो मैं आई डोंट नो, ठीक है सब लोग अपनी अपनी तरह से करते हैं, इफ दे आर कंफर्टेबल इट्स ओके, बट देखने वालों को भी कंफर्टेबल होना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ तो वैसे वेब सीरीज बहुत अच्छी बन रही, मैंने भी अभी दो वेब सीरीज में काम किया है, एक अमेज़न के लिए किया है, एक लिए किया है, देखने का बात है। एंड अच्छे भी बनते हैं और थोड़े वल्गर भी बनते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सेंसर बोर्ड आना बहुत जरूरी, स्पेशली जो हम अभी इस वक्त जो बन रहे हैं उस हिसाब से। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं आपका जो है वो OTT डेब्यू जल्दी हो और हम आपको किसी अच्छे से रोल के अंदर जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखें। ए, तुम कहाँ चले जा रहे हो? टैक्सी के पहले मैंने आवाज दी थी। अरे ये टुकड़ टुकड़ क्या देख रहे हैं आप? आपको देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर हसीन चीज देखने के लायक होती है, जैसे कि अजंता, एलोरा, कश्मीर की वादियां, आगरे का ताजमहल और आप। देख चुकी, अब जाइए। जाऊं कैसे, नजरें तो आपके चेहरे से चुकी नहीं है। आप बड़े बेशरम हैं। आप बड़ी खूबसूरत हैं। आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? आप इसमें चली जाइए, मैं दूसरी टैक्सी कर लूंगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपने टैक्सी बुलवाई है इसलिए आप। सूरज पंचोली जो कि करंट जनरेशन जो है बॉलीवुड की, उसके एक यंग हार्ट थ्रोब है, सूरज के पास आपकी फॉर्म में एक एक्टिंग का पावर हाउस और आदित्या सर की फॉर्म में एक्टिंग का एक टैलेंट हाउस मौजूद है, तो सूरज अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स के लिए किससे ज्यादा कंसल्ट करते हैं? तो ज्यादा आदित्य जी के साथ ही ज्यादा डिस्कस करते हैं। मैं कुछ एक्टिंग सिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करती, वो अपने आप ही करते हैं जो भी करते हैं। वो समझदार बच्चा है, वो करेगा भी, अभी शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह जब वो अच्छा करने लगा। जो भी है पैदाइशी एक्टर कोई नहीं होता है, धीरे धीरे ही सीखा जाता है, तो ही विल आल्सो डू इट बेटर। हर फिल्म में इंप्रूवमेंट तो नजर आएगी इंशाल्लाह, हर एक एक्टर को, नॉट ओनली सूरज, हर एक एक्टर को पहली फिल्म से दूसरी फिल्म में ज्यादा उनका काम अच्छा लगता है। सो सको ज्यादा अपने पापा से ही डिस्कस करते हैं। जहां तक आपकी एक्टिंग का ताल्लुक है, Obviously, I'm sharing this screen with you, मगर आपकी एक्टिंग जो है ना उसको कभी भी देख के ऐसा नहीं लगा कि आप एक्टिंग कर रही हैं। आपकी एक्टिंग को देख के एक बिल्कुल रियलिटी का गुमान होता है, और मेरे ख्याल में एक अच्छा एक्टर जो है उसकी सबसे बड़ी खसूसियत यही होती है कि उसकी एक्टिंग को देख कर बिल्कुल आपके सामने असलियत या रियलिटी जो है ना उसका गुमान हो। तो आप किसी भी किरदार में जो है वो असलियत का रंग भर देती हैं मेरे ख्याल में, तो जो मैंने आपको ओवर द इयर्स देखा है डिफरेंट रोल्स में। मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती, लोगों को मैं बहुत मेहनत करती बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत स्पॉन्टेनियस हूँ। एक बार मैं सुन लेती हूँ, मुझे दोबारा समझाने की कोशिश अगर कोई करो तो शायद अंदर से मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक ही बार में जब डायरेक्टर समझाते हैं मैं समझ जाती हूँ। एंड रिहर्सल भी मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ स्पॉट करती हूँ, शायद इस वजह से आप लोगों को स्पॉन्टेनिटी नजर आती है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ दुकान में काम करता हूँ। आई देखो ना, ये कौन भिजवाता है हर साल? मैं नहीं चाहती तेरी दुनिया का साया भी पड़े मेरी बेटी। वो मैं बता रहा तो कुछ बोलते क्यों नहीं आई? कौन है ये बताने आई? Thank you.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे जो है वो आपकी मूवीज के बारे में है. आपने आपने गालबन 44 इयर्स जो है आपका करियर अभी मुहित है इतने अरसे के ऊपर. आपको इस सारे सालों में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रोल कौन सा लगा है, जिसकी प्रेपरेशन करना भी आपको चैलेंजिंग लगा हो और जिसको परफॉर्म करना भी चैलेंजिंग लगा हो? मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं करती किसी के रोल के लिए. आई डोंट नो ये क्या बात है, बहुत सारे लोग इतना वो करते हैं. मैं बस सुन लेती हूँ और कर लेती हूँ. अगर रोने का भी सीन होता है मैं ऑन द स्पॉट में रोती हूँ. ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं. मैं सिचुएशन के साथ बह जाती हूँ. शायद इस वजह से नेचुरल लगता हुआ अलग बात. हाँ जी, जिस तरह अग्निपथ जो है अभी अग्निपथ 2 जो है उसमें अंदर आपका किरदार बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था और बड़ा ही एफर्ट आपने बड़ी एफर्टलेस तरीके से किया हुआ था और बहुत ही नेचुरल और फर्स्ट रेट किस्म की जो है ना वो आपकी एक्टिंग थी उस सारी फिल्म में. लोग थूक के आगे निकल गए थे ये कहते हुए कि मास्टर दीनानाथ का जीवन कीचड़ था और मौत मिट्टी. अग्निपथिक को आखिर में अपनी तक नसीब नहीं हुई. चुप हो जा, चुप हो जा. जरा ये बताना पसंद करेंगे कि आपकी आदित्य सर से पहली मुलाकात जो है वो आपकी जो मूवी आई थी कलंक का टीका उस पे सेट से हुई थी या उससे पहले भी आप उनको जानती थी इंडस्ट्री में? उससे पहले भी वो उससे पहले मैं कभी नहीं मिली थी और सेट पे ही मैं मिली थी. फर्स्ट इंप्रेशन था वाओ व्हाट अ गुड लुकिंग गाय. और हमारे 15 दिन में शादी भी हो गई. फिर तो वो मूवी जो है कलंक का टीका वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा स्पेशल किस्म की मूवी है और जो है जी ये आदि फिल्म तो हमने शूटिंग शादी के बाद भी शूट किया. उस फिल्म ये हिबा फिल्म्स के बैनर पे स्टारडस्ट मैगजीन वाले उन्होंने बनाई थी इस फिल्म को, क्योंकि उस जमाने में वो जो वीडियो में वीडियो फिल्म जी या वीडियो फिल्म और वो ज्यादातर ओवरसीज के लिए बनाते थे. हाँ जी, नारी हीरा फिल्म्स जो थी आई थिंक ही यूज्ड टू जी. आपको कौन सी एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो आपके ख्याल में काफी बेहतर काम कर रहे हैं प्रेजेंटली? एक्चुअली सभी लोग अपने अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा भी करते हैं, लेकिन मुझे आज के जमाने के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां इतनी इतना अच्छा काम करती हैं, उनसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. जैसे मुझे काजोल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम करती है. और काजोल की कोई भी फिल्म है मैं हमेशा देखती हूँ, एक नहीं एक से दो बार भी देख लेती हूँ. एंड बाकी भी काफी मुझे संजरीला बंसाली जी देखने में बहुत अच्छी लगती हूँ. उनकी फिल्म में हर एक कैरेक्टर बहुत अच्छा काम करता है और वैसे सभी अच्छा काम करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं. कुछ लोगों का काम कुछ ज्यादा ही अच्छा आ जाता है. जी बिल्कुल. मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर कन्वर्सेशन. आपके फैन फॉलोइंग जो है वो इंडिया के अलावा दूसरे जगहों पे भी है, पाकिस्तान में आपकी खासी फैन फॉलोइंग है, इसके अलावा जहां जहां भी माइग्रेंट कम्युनिटीज हैं इस दुनिया में वहां वहां आपकी फैन फॉलोइंग है. तो अपने फैंस को आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है द एक्सप्लिसिट एनालिसिस इसके जरिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और लेकिन आई लव पाकिस्तान प्लेस में कोई भी नहीं छोड़ती हूं, सब देखती हूं और वहां के लोग कितना अच्छा काम करते हैं. बिलीव मी, एक उदारी एक सीरियल है, मैंने पता नहीं कितने बार देखी उदारी. सब ईच एंड एवरी कैरेक्टर दे एक्ट सो वेल. मेरे ख्याल से सभी मां के कोई भी मुझे आज तक एक एक्टर भी बुरा नहीं लगा. कहने का ऑनेस्टली दे आर वेरी गुड. And I always watch Pakistani serials a lot. कौन से चैनल्स पे आप देखती हैं पाकिस्तानी सीरियल्स? मेरे ख्याल में तो आप बहुत ज्यादा चैनल्स आ चुके हैं. जितने भी चैनल्स हैं मैं just देखती हूँ, जो भी अच्छा सीरियल आता है I just hold on and watch. पूरी देखती हूँ. I almost watch all. चलें ये तो बहुत खुशी की बात है. हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये इंटरव्यू जो है ये पाकिस्तानी जो सिनेमा या उससे रिलेटेड लोग जो हैं उन तक भी पहुंच सके और आपकी जो कमेंट्स और फीडबैक है ये भी उन तक जाए.
Oh,